एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. रिसर्च जो कुछ बोलती है जायका उससे ज्यादा बोलता है. आई कुड फील माई माउथ वॉटर. देखे ना, नशे के मामले में भी ज़्यादातर को पता है कि ये तबाकुन है और हमारी ज़िंदगी ख़राब करने वाला है, लेकिन हेयर एंड नाउ में क्या होता है? हेयर एंड नाउ में, और हमारी हेयर एंड नाउ की ज़िंदगी जो है वो जिन चीज़ों से मुतासर होती है वो हम करते हैं. आज फिर मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कोरोना वायरस के ऊपर. मैं चाहूँगा कि शिद्दत से चैलेंज करें. हम ऐसी बात करें जो कंसेंसस डेवलप हो, हम सब का कंसेंसस डेवलप हो. आज मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था जो बहुत ही वाइज हैं, मुजीबुर्रहमान शामी साहब. लेमैन है, मेडिकल मैन नहीं है, लेमैन है. लेकिन उन्होंने एक फिक्रा बोला कि जो काम डेढ़ महीना पहले करने के थे वो हम अब कर रहे हैं. जो डेढ़ महीना पहले करने के काम थे वो अब हम कर रहे हैं. और फिर साथ उन्होंने कहा कि जो मुक्का आपको बाद में याद आए वो अपने आप को मार लें. इससे क्या मतलब समझते हैं आप? कुछ बताएगा आप में से कोई कि इससे क्या मतलब समझते हैं कि डेढ़ महीना पहले वो ठीक थी बात, अब ठीक नहीं? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड. जी देखें, बात ये है कि अगर आप प्रिवेंशन, इसके सारी गेम ही प्रिवेंशन की है. ट्रीटमेंट तो है, ट्रीटमेंट से सिम्टम है. देखिए तो प्रिवेंशन में बहुत जरूरी था कि हम सोर्स आइडेंटिफाई करते और जो काम अभी कर रहे हैं ये डेढ़ महीना पहले करते. लेकिन हमें लगता डेढ़ महीने पहले हमारा माइंड कबूल नहीं करता था कि इतने बड़े स्टेप ले लें. यानी जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट का दाखला जो है को 5 साल लेट होता है, 5 साल ऑन एवरेज लेट होता है. लेकिन अगर हम वापस फैमिली के साथ 5 साल पीछे जाएं तो दिल मानता नहीं है कि इतना बड़ा स्टेप दिया जाए. उस वक्त दिल ये कहता है कि थोड़ा बहुत समझाने बुझाने से, थोड़ा बहुत स्टेप्स लेने से, इसके लान तान करने से मसला हल हो जाए. क्योंकि हमारा जहन किसी बड़े स्टेप के बारे में एकदम नहीं मानता. उसको मानने के लिए हमारे जज्बात का साथ देना ज़रूरी होता है. जैसे कहते हैं ना, ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जो दिन, ये उनकी याद में होगी. तो जो इमोशंस हैं वो हमें हकायक को कबूल करने नहीं देते, डिनाइल में रखते हैं. और डिनाइल देर से टूटता है और डिनाइल दर्द से टूटता है. तो दर्द जूं जूं होती रहेगी. देखिए, आज का स्टेप ये है कि हमने 2 मैच होने थे जिसको 22 लोगों ने एक बहुत बड़े स्टेडियम में खेलना था, और कोई 20-22 और लोगों ने कैमरों की मदद से उसको आप तक पहुंचाना था, जिसमें 2-4-6 कमेंटेटर भी होंगे. इतने बड़े कजाफी स्टेडियम में 50 लोगों ने मैच खेलना था, और आपने और मैंने और लाखों करोड़ों लोगों ने वो मैच घरों में आराम से बैठ के देखना था, और कुछ देर के लिए इस खौफ से भी निकल जाना था कि कोरोना वायरस क्या कर रही है. तो उसे मना कर दिया मैच को. और इसका प्रिवेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो फॉरेनर्स थे वो जा चुके थे. सर, इसका ताल्लुक है, हकीकत ये है कि जो एक प्लेयर है एलेक्स हेल्स, वो तो लंदन जा चुका है. सर, जा चुका डज नॉट मीन कि ही हैज गॉट इट फ्रॉम हियर. ही हैज गॉट इट, नहीं अभी डायग्नोसिस नहीं हुआ. डायग्नोसिस हो गया, टेस्ट कराने. पॉजिटिव. अच्छा. इट हैज बीन रिपोर्टेड पॉजिटिव. उसका एक्सपोजर जो था वो 6 टीमों के जो है वो अपना तकरीबन 200 प्लेयर्स के साथ था. ठीक है, वो सारे एक जगह पे रह रहे थे. और ये एक सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है. दे हैव टेकन द डिसीजन डिलेड
इनको ये पहले करना चाहिए था और ये प्रॉब्ली इन्होंने एक फीलिंग ऐसे आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग दे वर हाइडिंग एवरीथिंग दे जस्ट वांटेड कि ये पीएसएल हो जाए ना फिर हम पूरे तौर पे इसको पढ़ जाएंगे. आई थिंक पीएसएल कोई कंसिडरेशन नहीं थी. वैसे ही फैसले करना मुश्किल होता है. ऐसे फैसले, बड़े फैसले, लाइफ चेंजिंग फैसले करना मुश्किल होता है. उसके लिए वो फैसले ऐसे सिंक इन करते हैं हमारे अंदर, आहिस्ता आहिस्ता सिंक इन करते हैं दर्द से. और ये फैसले WHO कर रहा था कि पाकिस्तान को क्या करना है, और WHO ही ये फैसले डिलेड कर रहा था. पैरामीटर्स जो हैं वो डिफाइन. आप देखिए कि हमारे साथ ये हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है, कि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है चाइना. ठीक है, चाइना ने अक्रॉस ट्रैवलिंग तो जो पैसिफिक तो बचा दिया. ठीक है, एंड वी आर सो नाइव दैट वी स्टिल थिंक कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है. हमारा ये टिपिकल एक जो है ना एक नेचुरल कल्चर है. बीमारी हमारे घर में हो या साथ वाले घर में हो, साथ वाले घर में हो तो हम कहते हैं बस ठीक है उधर ही है. हम वो हिफाजती इकदाम नहीं करते. देखिए, चाइना ने अपने हिफाजती इकदाम से हमें बचाया, लेकिन ईरान से जो लोग वापस आए, जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी कि उनको अच्छी तरह हम ट्रीट करें, क्वारंटीन करते, और वो चाहे 1,000 होते, चाहे 2,000, चाहे 10,000, वो सीधे आके क्वारंटीन में जाते, लेकिन उनमें से लोग निकल गए. नहीं सर, इन्होंने क्वारंटीन में रखा, और क्वारंटीन में क्या किया इन्होंने कि इन्होंने जो क्वारंटीन के बेसिक प्रिंसिपल हैं, नन ऑफ देम न्यू अबाउट इट. उन्होंने एक ही इमारत लेके उसके बीच में उनको बंद कर दिया, और जिन बंदों को नहीं भी था उन्होंने भी आया, और उसके बाद 14 दिन गुजारने के बाद they did not have any kits. वो सिर्फ वो फायर वाला जो है ना वो टेम्परेचर सिर्फ उनके पास था. वो रिचुअल करते थे, जैसे कि अगर आप PC में जाएं तो आपकी गाड़ी का बोनट उठाया जाता है, डिग्गी खुलवाई जाती है, और वो जो गार्ड होते हैं वो सारा दिन बोनट के अंदर देख देख के, डिग्गी के अंदर देख देख के इस कदर ऊब गए होते हैं कि वो एक्चुअली डिग्गी खोलते हैं, बंद कर देते हैं, और बाद का डिग्गी ऐसे खोल के ऐसे बंद कर देते हैं, और इंजन का बोनेट भी खोल के इसी तरह बंद कर देते हैं. ये जो रिचुअल्स हैं, ये कहीं भी कोई बंदा एक ही चीज़ जब बार बार करता है तो उसके लिए तादेर उसको करना मुश्किल होता है, और उसके जो SOPs हैं फॉलो करना मुश्किल होता है. सर, जहाँ ज़िंदगी का मामला हो वहाँ सीरियसनेस डिमांड होती है. और हम भी जब सेंसिटाइज हुए इस बात पे से, उस वक्त बहुत लेट किया, आई एग्री, लेकिन जब ज़िंदगी का मामला आया तो फिर हमने कहा सब कुछ. देखें, पहली बात तो ये है कि फैक्ट्स क्या कहते हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस वो डिसिप्लिन मांगती हैं. कोरोना से जो फाइट थी ये डिसिप्लिन मांगती थी, और चाइना ने वो डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, और चाइना ने उस लहर को टाल दिया, और उन्होंने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया. उन्होंने अपने एक इलाके के अंदर जो लोग थे उनको ना बचा सके, लेकिन बाकी सब लोगों को उन्होंने बचा दिया. हमारी कौम जो कि डिसिप्लिन में बिल्कुल फाड़ी है, जिसको हम कहते हैं आखिर में आने वाली है, तो मुझे बताइए कि हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो पेशेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से जाएंगे और डॉक्टर उनको 5 हदायतें लिखेंगे, 5 सुनहरी हदायतें, तो डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जाके अमल नहीं करेंगे. सर, हम एग्जामिनेट नहीं कर सकते. देखें, जो हुकूमत के लेवल पे चीज़ें होती हैं उसमें सीरियस. अब आप आज का बयान देखें कि वो बड़े ही पैथेटिक है. दैट ही सेड कि हमारे कर्जे माफ़ कर दो. हाँ ठीक है जी, हम नहीं कर्जे दे सकते. फिर गलत वक्त पे गलत बात कर रहे हैं, और हमारे पास तो कोई है ही नहीं चीज़ कि हम कुछ कर सकें. तो अब ये कर्जों की रागनी बेवक्त की रागनी थी. कहना ये चाहिए था कि हमें किट्स दे दो. किट्स है ही नहीं इनके पास. नहीं, बाहर वालों को कहते हैं कि हमें किट्स दे दो जी. चलो, हमें कहते हैं हमें पैसे दे दो. अगर कर्जे माफ करना, ये इट इज टू अर्ली टू से.
एक्चुअली ये तब हो सकता था कि अगर गवर्नमेंट इस वक्त सोचे कि हमने कर्जे कुर्जे भाई अब कोई नहीं देने, तो जितने भी पैसे हमारे हैं वो इधर खर्च करके तो आवाम को बचा ले, और जब पैसे मुक जाएं तो फिर उनको बोले कि जी हमने तो ये कोरोना पे पैसे लगा दिए हैं तो अब हमारे कर्जे माफ़ कर दो। तो मतलब ये आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे, ये आप टेलीफोन जब मिलाते हैं तो एक नंबर होता है, अगर आप एक नंबर इधर उधर कर देंगे कोई घंटी नहीं बजेगी। अब हम वो 100 प्याज और 100 जूते खाने की पोजीशन में आ चुके हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं मैं आपको बताऊं कि वो एक पक्की आदतों के तौर पर हमारे अंदर घर की होती हैं, हड्डियों तक जो आते उतरी होती हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। और अगर आज से भी कोई शुरू कर ले आज से, और अगले 10 दिन वो बेस्ट प्रैक्टिसेस करे, तो साइंस कहती है कि उसको कोरोना कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कोरोना ने जो अफेक्ट करना है वो उन लोगों को नहीं करना जो रेस में कहीं फाइनल लाइन के करीब हैं, उन्होंने उन लोगों का करना है जो रेस में सबसे पीछे हैं, जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहली बात यह है कि नौजवानों को उस तरह ख़तरा नहीं है, लेकिन इस्तेसना कोई नहीं है, एलेक्स हील्स को हुआ है तो वो नौजवान ही है ना, वो एथलीट है। होना एक लगा चीज़ है सर, देखें जरूरी नहीं है होगा उसको, तो वो देखिए हो सकता है उसके अंदर कुछ वीकनेस हो सर, जो कि अभी नहीं पता। एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर डज नॉट इज नॉट लिंक टू योर इम्यूनिटी, ठीक है। एक्सपोजर अगर आप टच करेंगे आपको भी है, वो आप हो जाएगा, लेकिन उसके क्या आपको नुकसानात होंगे, जो नुकसानात है ना वो आपकी इम्यूनिटी। देखिए जब वसीम अकरम को डायबिटीज हुई है, तो वसीम अकरम टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, तो उसको डायबिटीज हुई है, तो उसका डिक्लाइन आना शुरू हो गया क्रिकेट का। उन्होंने कहा वैसे ही डिक्लाइन आ गया, उनकी कितनी देर क्रिकेट खेलनी है। और उसके बाद वसीम अकरम का डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, फिर उसने इंसुलिन लेनी शुरू की, फिर वो बेस्ट हो गया, तो उसने एक और करियर, एक नए करियर की शुरुआत की उसने। और उसके बाद फिर वो एक कमेंटेटर के तौर पर और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, आज भी तमाम क्रिकेटर से ज़्यादा वो बतौर मॉडल कमाता है, एरियल के इश्तहार में आके या किसी और इश्तहार में, पता नहीं उससे कैसे लोग मांगते हैं ये टेस्टिमनी के कौन सा पाउडर अच्छे कपड़े धोता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत थोड़ी हैं जो आपको बचा सकती हैं तमाम प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस से। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत थोड़ी हैं, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, जो आपको डायबिटीज़ से बचा सकती हैं, जो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर से बचा सकती हैं, जो आपको शिज़ोफ्रेनिया से बचा सकती हैं, जो आपको एडिक्शन अल्कोहलिज्म से बचा सकती हैं, और वही आपको कोरोना से बचा सकती हैं। क्योंकि ये जो चंद बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये तमाम प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियों के हवाले से कॉमन है। जैसे कि अगर आपने पेशावर जाना हो, एबटाबाद जाना हो, आज़ाद कश्मीर जाना हो, या आपने काबुल जाना हो, तो कितना रास्ता कॉमन है, कितना रास्ता सेम ही है। यानी आप इस्लामाबाद जाएंगे तो आगे फिर या आप आज़ाद कश्मीर जाएंगे या एबटाबाद जाएंगे या आप पेशावर जाएंगे या आप आगे काबुल जाएंगे। इसी तरह तमाम प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कॉमन हैं। उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस में पहली प्रैक्टिस ये है कि आपको टेंशनें ना हो, टेंशन से डायबिटीज़ हो जाती है लोगों को, टेंशन से लोगों को नशा हो जाता है, टेंशन से लोगों को शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो टेंशन, मुझे बताइए कि ऑन एवरेज हमारी कौम का जो टेंशन लेवल है वो पिछले 10 दिन में कितना ऊपर गया है? जी 10 out of 10 ऊपर गया, ठीक, 10 out of 10 ऊपर गया है। उसके बाद उन्होंने कहा ये भी ना करो, वो भी ना करो, घर में बैठो। जब आप घर में बैठते हैं और वेले बैठते हैं और आपको अपने बच्चे नज़र आते हैं
और आपको नजर आता है कि घर बिठा के कोई मुझे कितने दिन तक दिहाड़ी देगा, ठीक है ना। वो ये सोचता है कि जिस जगह मैं मुलाजमत करता हूँ, अगर बड़ी बड़ी एयरलाइनों ने विदाउट पे छुट्टी दे दी है, एमिरेट्स जैसी एयरलाइन ने विदाउट पे छुट्टी दी है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, एयरलाइनें बंद हो रही हैं, जितना नुकसान दूसरी जंगे अजीम में हुआ था उससे ज़्यादा नुकसान हो चुका है, फाइनेंशियली हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग तो बिल्कुल ही दिहाड़ीदार होते हैं, कुछ लोग तनहादार होते हैं विच बॉयज डाउन टू दिहाड़ीदार अल्टीमेटली, और कोई 100 में से एक होगा जो बैठ के खा सकता है 6 महीने, 100 में से कोई 100 में से एक होगा जो बैठ के खा सकता है। और अल्टीमेटली आपको पता है कि लोगों ने चीज़ें ज़खीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी है कि ये कहीं पैरासीटामोल नहीं मिल रही, और यहीं नहीं यूके में भी नहीं मिल रही, टॉयलेट पेपर नहीं मिल रहे, हैंड सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, मास्क नहीं मिल रहे। हालांकि मास्क उनके लिए होता है जिनको फ्लू है, मास्क अपने आप को बचाने के लिए नहीं, मास्क दूसरों को बचाने के लिए। और ये जो मास्क बाज़ार से मिलता है महंगा, इससे सस्ता मास्क आप वैसे घर में बना सकते हैं मोटे कपड़े का, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उस मास्क में से कहते हैं पास ऑन हो सकते हैं। ये मिथ है कि मास्क आपको बचाएगा, बहुत सारी मिथ्स हैं। एक ये मिथ है कि ये आम फ्लू जैसा होता है, ये बात गलत है, ये आम फ्लू जैसा नहीं होता। आम फ्लू का डेथ रेट है 1 in 1000, इसका डेथ रेट है 1-3%। और इटली के लोगों को देखा जाए तो वहाँ इससे भी ज़्यादा साबित हो रहा है, बरतानिया के लोगों में देखा जाए तो वहाँ भी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, अमेरिका में भी ख़राब है, पाकिस्तान में एज सच अभी तक मेरा ख्याल है कोई अपनी जान से नहीं गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि टॉयलेट पेपर नहीं मिल रहे, लोगों के हाथों से छीन रहे हैं। ये यूके में लोग कुछ ज़रूरत की चीज़ें जब शेल्फ पे नहीं मिलती और किसी के हाथ में होती है जिसने अभी पे करना है तो उससे छीन रहे हैं। अमेरिका से रिपोर्टें हैं कि लोग असला ख़रीद रहे हैं क्योंकि उन्होंने घर में जो चीज़ें ज़खीरा की हैं उनका ख्याल है कि जब लोग छीनने आएंगे तो हम उन पर असला इस्तेमाल करेंगे। तो इंसान एनिमल के लेवल पे गिर गया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल है जो हमेशा से इस दुनिया में चलता आया है। अल्टीमेटली ये जितने भी परहेज एहतियात हैं ये बाद अज मर्ग वावेला है, ये पहले नहीं ये बाद में है। अगर देखें तो नशे की बीमारी में भी हर चीज़ बाद में हो रही होती है, हर चीज़ लेट हो रही होती है, हर चीज़ डिलेड हो रही होती है। आप कुछ बताएंगे कि कैसे ये बात सच है कि नशे की बीमारी में भी हर चीज़ डिलेड हो रही होती है, लेट लेट लेट। ऑब्जेक्ट तो हो चुका होता है एडिक्शन का, नहीं उससे पहले क्या करने की, ये सारी बातें जो हम यहाँ करते हैं ये कब करने की ज़रूरत थी? जब डिजीज़ नहीं थी, जब आप कच्ची पक्की में पढ़ते थे, जब आप अपने माँ बाप की गोद में बैठ के उनकी कहानियाँ सुनते थे और जो वो कहते थे आप यकीन करते थे। लेकिन उस वक्त अच्छा, कभी आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी था कि मेरा बच्चा नशा करेगा? वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं था ना। तो इसी वजह से फैसले डिलेड होते हैं, जबकि आजकल हम हर एक को कहते हैं कि अगर आपके घर बच्चा पैदा हो गया तो बेशक खुशियां मनाएं, खुसरे नचवाएं, लेकिन उसकी तरबियत का बंदोबस्त भी कर लें। क्यों जी अब्दुल्ला, क्या काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो वाला काम नहीं दूसरा? ठीक, ये जो डिले वाला मामला है ना, इसको हम अभी भी ठीक करना शुरू कर दें ना अपनी ज़िंदगी में, अभी भी ठीक करना शुरू कर दें। देखिए बात वही है कि 10,000 लोगों में से पिछले आखिरी वाले 3 लोग आपने नहीं होना, वे हाल यार एड्डे ते नहीं तुसी रह गए, एड्डे ते नहीं रह गए। हम तो मतलब बूढ़े लोग हैं,
अगर कहा जाए तो आप तो सब ज़्यादातर तो यहाँ नौजवान ही हैं, अगर आप अपनी लाइफ को सीधा कर लें, लड़ाइयाँ झगड़े बंद कर दें। देखिए, एक तो कोरोना की टेंशन, ऊपर से घरों में बहन भाइयों की लड़ाइयाँ, माँ बाप की औलाद की लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, हर घर का शुआर है, हर खाते पीते घराने में रज खाने की मस्तियाँ हैं, खाते पीते घराने में। मैंने वो गरीबों को देखा, उनके घर कोई मंगनी ब्याह हो ना, सारे रिश्तेदार 15 दिन पहले आ जाते ने जमीन ते बिस्तरे ते, जो खान नू मिल गया खा लिया। तो मोहब्बत भरी कहानियाँ एक दूसरे के साथ वो सुनाते रहते हैं, मतलब वो मर जाए कोई ते तद वो पहले ही आ जाते ने, हाला बंदा बीमार होंगे तो वह आ जाते ने, फिर चलीसवा कट के जाते ने वो, ठीक है। अच्छा, रिच लोग जो हैं वो बस एन टाइम पे पता कर रहे होते हैं जनाजा किस वक्त है, उन्होंने शक्ल दिखानी होती है कि ऐसी भी आए सा। अच्छा, गरीब लोग हैं, उनका मरीज अस्पताल में हो ना, मेयो अस्पताल में, तो वो मेयो अस्पताल का सारा वेड़ा जेड़ा है ना, वो बाग जेड़ा है, उहदे च लोकी जेड़े सुते होंदे ने, वो शौकिया नहीं सुते होंदे, वो पिंड थां तो आके ते उन्हां दे नाल सपोर्ट जाहिर कर रहे होंदे ने। तो ये ताई सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी लॉजिक है कि टेंशन कैसे कम करें। टेंशन तो हम बढ़ाई जा रहे हैं। आज मैं अपने दफ्तर में बैठा था तो मुझे लग रहा था कि नॉइस लेवल इतना कम था। आपको पता है एक नॉइस लेवल होता है, वो बड़ी ईद वाले दिन जो नॉइस लेवल होता है, वो नॉइस लेवल वहाँ था मेरे दफ्तर में। फिर सड़क पर गए तो ट्रैफिक बड़ी आराम से चल रही थी और लोग अपने काम भी नहीं कर रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो स्कूल के बाहर जो दीगर कारोबार होते हैं, कोई खाने पीने वाली चीज़ें बिकती हैं, वो भी नहीं हो रही। जो टीचर्स हैं जो पढ़ाने आते थे वो घर बैठे हैं, तो वो वॉक थोड़ी कर रहे हैं, स्कूल आते हुए थोड़ी बहुत वॉक तो उनकी हो जाती थी। अल्टीमेटली डॉक्टर्स हैं जो कि उनको नहीं कहते घर बैठ जाओ, डॉक्टर्स को नहीं कहते घर बैठ जाओ, डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटियों पे मौजूद होंगे और उनके टीचर्स ने कहा होगा, उनके सीनियर्स ने कहा होगा कि खबरदार जे किसी ने छुट्टी छुट्टी तो ना लेता। आपके कोई छुट्टी के रुझान है डॉक्टर्स में आजकल? नहीं, तो छुट्टी तो हो गई है ना उनकी, वो बेसिक साइंसेज वालों की तो छुट्टी हो गई ना। हाँ, तो मज़े हो गए ना उनके, वो भी डॉक्टर हैं लेकिन वो घर बैठ गए होंगे, ठीक। एयरलाइनों का भी मेरा ख्याल लगता है कि इन्होंने लाहौर कराची के दरमियान फ़्लाइटें वही डिले जा रहे हैं, डिले, क्योंकि कराची में मरीज़ हैं तो पहले लाहौर मरीज़ आके तो बीमारी बांट लें, तो फिर वो कराची लाहौर की फ़्लाइटें बंद करेंगे। कराची में 250 जो बंदा आया उसको टेस्ट किया, उसमें से 133 निकले। उसके बाद केपीके में 19 गए, उसमें से 15 निकले। ये इधर अपना पंजाब में 750 आए हैं, कहते एक भी पॉजिटिव नहीं। नहीं नहीं, अच्छा वो एक भी पॉजिटिव नहीं, क्योंकि उन्होंने चेक ही नहीं किया, टेस्ट ही नहीं किया, टेस्ट ही नहीं किया, तो वो कैसे, यानी ये हो सकता है नहीं। तो उन्होंने बात कह दी है ना कि साढ़े लड़न तो गल आ गई है, तो साढ़े तो ना रहना, और साढ़े पहले जो पैसे ने ना वो कर्जे जो असी लिते ने 70 साल, तो उन्होंने तुम माफ़ कर दो। कहते जलेबी वाले की भी तो सुनो, उसने सुना हुआ है ना लतीफा के कोई खातून जो गिर गई तो सब कहने लगे कि टकोर करें, ये करें, वो करें। एक ने कहा दो जलेबियाँ खुआ, दो जलेबियाँ, फिर गल आई गई हो गई, अखीर में खुद ही बोल पड़ी, कहते जलेबी वाले की तो सुनो, तो अगर कर्जे माफ़ कराने 2 महीने ठहर जाओ, पहले अपना काम तो कड्ढो, उस तो बाद कर्जे माफ़ कराने की भी माफ़ी मांग लेना। सर, जिस तरह आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, दिस इज द राइट थिंग टू डू, बाकी सही बात है। लेकिन आप देखिएगा, मेरी प्रेडिक्शन है आज कौन से खराब हो रहे हैं, और आप देखिएगा कि उससे कितनी मायूसी फैल रही है, क्योंकि ये बात इस वक्त बेवक्त की रागनी है कि कर्जे माफ़ कर दो। स्टार्ट ये थो लेता है तुसी, मतलब जिस तरह फास्ट बॉलर लेते हैं ना, बाउंड्री से स्टार्ट लेते हैं,
मसला तो ये है कि जो स्टेप हम अभी तक लेते आ रहे हैं वो स्टेप हर स्टेप 15 दिन लेट 20 दिन लेट ऐसे ना तो चंगा ना करो। वो किसी ने कहा ना कि वो मेरी दादी ने खसम कर लिया है तो सब ने कहा बड़ा बुरा किया सो है ऐसे मुझे खसम कर लिया। उन्हें कहा छड़ भी देता सो उन्हें कहा कि और बुरा किया। ठीक तो ये जो काम है ना बहुत प्रोएक्टिवली करने के काम है बहुत प्रोएक्टिवली करने के काम है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर अपने बच्चे को नशे से बचाना है तो 4 साल की उम्र से पहले बचा लो देन इट विल बी लेट। नहीं तो 7 साल की उम्र से पहले बचा लो देन इट विल बी क्वाइट लेट। नहीं तो फिर 12 साल की उम्र से पहले बचा लो देन इट विल बी वेरी 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 लेट। ये बात जो है कि मूड ख़राब होगा आज के ज़माने में ये तय है कि जितनी सिविलाइजेशन में हम रहते हैं उसमें मूड ज़रूर ख़राब होगा। जितना मूड लाहौर में ख़राब होता है शेखुपुरे में उतना नहीं होता और चक गाह बेताली में तो बिल्कुल मूड ख़राब नहीं होता। ये जो हमारी लाइफ है इसमें मूड ख़राब होता है। जब हमें बर्गर नहीं मिलता तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है जी कहीं भी। मतलब मूड ख़राब होने के लिए कोई हमें कुछ ज़्यादा प्योदा सामना हम ना हो जाए पुत्र दे नाल चलो मूड ख़राब है। ठीक मतलब मूड डिसऑर्डर जो है वो हमारी ज़िंदगी का रोग है यार। मैं याद है कि हम जब होते थे 8-10 साल के हमारी रेगुलर बेइज्जती होती थी लेकिन मूड छूड़ नहीं को ख़राब होता था। मतलब हमारी इज्जत ही कोई नहीं थी तो वो उसमें कोई मसला नहीं होता था। अजकल तो बच्चों की इज्जत बड़ी है। मतलब अजकल तो मतलब फौरन ही सारी इज्जत खराब हो जाती। तो हमें कोई ऐसे मसले नहीं थे कोई बेइज्जती बुज्जती हो गई। मतलब चाचे ताए भी कर देंगे सन पुप्पी आई तो वह कर गई जिन्हें भी हाथ रवा करना है नैट प्रैक्टिस करनी है साढ़े तो कर लो ठीक फीस बिल ला। और मूड ख़राब होने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब मूड जी मैं मूड ख़राब होएगा तो बोलेंगे ना जब मूड ही नहीं ख़राब होया तो बोलना की है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं कि टेंशन जो बुनियादी बेस्ट प्रैक्टिस है टेंशन से बचने तो बचने ठीक। दूसरी बात यह है कि फिर अच्छा अगर वेले ही हो गया तो फिर उनको नींद ही पूरी कर लो। और नींद पूरी करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्मार्टफोन को भी ज़रा किनारे पे रख दो। उसमें सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है वो कोई ना कोई नुस्खा पेश कर रहा है और डराने वाले ऐसे ऐसे तरीक़ों से डरा रहे हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा। ऐसा मंजर नज़र आ रहा है जैसे हज़ारों साल पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का था कि पुराने ज़माने में लोग लंबी उम्रें नहीं पाते थे। बहुत लोगों का ख्याल है कि पहले लोग लंबी उम्रें पाते थे क्योंकि वो फिट नहीं होते थे वो सर्वाइव नहीं करते थे क्योंकि मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे इन्फेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते थे बड़ी जल्दी मर जाते थे। अभी भी आप देख लें पाकिस्तान में एवरेज एज क्या है अमेरिका में एवरेज एज क्या है और अफ्रीका में एवरेज एज क्या है और जापान में एवरेज एज क्या है। आपको एवरेज एज से पता चल जाता है कि बरतानिया में उनको फिक्र पता है किन लोगों की है जो न्यू ओल्ड एज में है। न्यू ओल्ड एज वो 85 को कहते हैं। उनकी न्यू ओल्ड एज जो है वो कहते हैं जो 85 का है वो अपने आप को ओल्ड एज में समझे 65 को वो ओल्ड एज अब नहीं मानते। हम अभी भी 65 को ओल्ड एज मानते हैं। अमेरिका के देखिए कितने सदर हैं जो जिंदा हैं। आपको पता है कितने सदर जिंदा हैं। जब अगर एक सदर चला भी जाए तो पुराना भी तो के चाड़ के बिठाया जा सकता है। हमारा बुड्ढो भी जिंदा है। हाँ हमारा तो लियाकत अली खान भी जिंदा है शहीद मरा नहीं करते ठीक है। अरे लियाकत अली खान भी जिंदा है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि हम पसमानदा हैं। हमें सीखने की ज़रूरत है हमें बर वक्त इकदाम करने की ज़रूरत है यानी हम सबको। और नींद पूरी करना सबसे बड़ी बात है कि टेंशन को नाराज़गी को खुदा हाफिज़ कह दें। अपने आप से नाराज़गी को सबसे पहले खुदा हाफिज़ कहें।
फिर दूसरे लोगों से नाराज़गी को खुदा हाफिज़ कह दें। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, मोहब्बत से रहें और एक दूसरे को माफ़ कर दें, और ये बात भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें कि कोई पता नहीं कि कोरोना हमें अफेक्ट करेगी कि नहीं, लेकिन नंबर प्रोबेबिलिटी इतनी थोड़ी है कि आप हर वक्त इस बारे में नहीं सोच सकते। हमारे बाथरूम में फिसल के गिर के मर जाने के इम्कानात कोरोना के हाथों मर जाने से ज़्यादा है। अपने सीढ़ियों में से गिर के मर जाना ज़्यादा इम्कान है इस बात का बनिस्बत कोरोना का। मैं कहता हूँ अगर इस तरह की को बात करनी शुरू कर दे कि रोज़ाना जी दुनिया में सिगरेट से इतने बंदे मर गए, जी कौन सी किस चीज़ की दुनिया में बाकी बीमारियों से कितने मरते हैं? हाँ प्लीज प्लीज, 5,500 लोग मरे अहम बातें हो रही हैं, कोई नहीं कुछ नहीं होता। नमा आजकल नमाज दी है ही बड़ी छुट्टी, मसीतों भी छुट्टी है आजकल। फिर वजू न संभाल के रखो ना, जरा काबू करके रखो। खैर हमने गलबात यह भी सुनो, कारा मत दे, इंशाल्लाह अल्लाह तड़िया नमाजा कबूल करेगा, पर भी चोट कर ना जाओ बैठो जी। देखिए खाली 5,000 5,000 है, अब तक की फिगर है ये 5,000। जो आम ठंड से मरे हैं वो 69,600 है, जो मलेरिया से मरे हैं वो 1,40,000 है, जो सुसाइड लोगों ने की है वो 1,53,000 है, रोड एक्सीडेंट में जो मरे हैं वो 1,93,000 है, HIV से जो मरे हैं वो 2,40,000 है, अल्कोहल से मरे 3,58,000 है, स्मोकिंग से मरे 7,17,000 है, मुझे जरा फॉरवर्ड भी कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें हमारा वो हिसाब है जैसे मेरी नानी कहा करती थी कि पुत्र तेनू तत्ती वाह ना लगे, ठंड नाल भावें मर जाए तू। मतलब ये है हमारी सारी सोच। अगर रोज़ाना की ये फिगर आनी शुरू हो जाए कि खाली पाकिस्तान में खाली लाहौर में सिगरेट से कल कितने लोग मरे, तो शायद इसी तरह का स्केयर पहले सिगरेट के बारे में तो लोग सिगरेट पीना छोड़ दें, नहीं करना शुरू कर दें ना, करना शुरू कर दें, ट्रेस करना शुरू कर दें कि कौन कैसे मरा। अभी हम उसमें जो गोलमोल बात है वो नहीं करते, हम कहते हैं कि जिनको लंग कैंसर हुआ और डॉक्टर ने कहा कि ये सिगरेट से हुआ है बस उनको ले लें, जिनको थ्रोट कैंसर हुआ, जिसको मुंह का ओरल कैंसर हुआ तंबाकू से और डॉक्टर्स ने कनेक्शन बना दिया तो उसकी गिनती बता दें, सिर्फ उसकी गिनती बना दें। जो अल्कोहलिज्म से लिवर फेलियर हुआ और मरा, क्लियर कट कनेक्शन है कि अल्कोहल से लोग जो है आखिर में दो किस्म के अस्पतालों में जाते हैं, एक वो जिनका लिवर तबाह हो जाता है तो वो मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं, एक वो जिनके घर वाले तंग आ जाते हैं तो वो रिहैब में जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल से या तो घर वाले परेशान होते हैं या फिर उस बंदे का अपना लिवर, दोनों में से एक काम होता है। और जिसे अल्कोहलिज्म कहते हैं इसकी दो शक्लें हैं, एक शक्ल यह है कि उस बंदे का लिवर सही काम करता रहता है लेकिन उसका दिमाग सही काम नहीं करता और उसकी सब फैमिली वाले से बहुत लड़ाई बढ़ाई शुरू हो जाती है तो वो रिहैब में आता है। दूसरे बंदे का लिवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाता है और उसको एसआईटीज हो जाती है, उसके पेट में पानी भर जाता है और उसको मेडिकल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। दोनों अल्कोहल की वजह से क्लियर कनेक्शन है जो मरते हैं, इनकी गिनतियां होनी चाहिए। और हर रोज़ इसी तरह टीवी पे बताया जाना चाहिए कि ये ऐसे मर गए, ये ऐसे मर गए, ये ऐसे मर गए। जो आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज़ से मरते हैं, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस से मरते हैं, उनकी भी गिनतियां होनी चाहिए, जो गंदा पानी पी के मरते हैं। लेकिन किसी नामालूम वजह से
वो सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ। डेंगू का सिलसिला शुरू हुआ था तो आपको पता है गिनती से शुरू हुआ था कि लोग डरना शुरू हो गए थे, लोग डरना शुरू हो गए थे डेंगू फीवर से, कि गिनती का सिलसिला शुरू हो गया था। और ये आप ज़रा अच्छी तरह समझ लें कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो मैथमेटिक्स होती है, ये असर करती है। अभी आप देखिए कितना थोड़ा नंबर है, 225 केस अभी तक जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, एक बंदा मर गया। तो मुझे बताइए कि चूंकि गिनती इर्द गिर्द चल रही है, प्रोजेक्टेड स्कोर चल रहा है कि दो दिन में इतना हो जाएगा, चार दिन में इतना हो जाएगा, तो लोग सारे शहर में मास्क पहन के फिर रहे हैं। लास्ट नाइट मैं कराची से आया, लाहौर फ्लाइट ने जो ही लैंड किया, तमाम लोग सीटों से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ आ गए। यानी उनको इतना खौफ था, उनमें से आधे लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, और अमला चीखने लगा कि जहाज़ अभी इतनी तेज़ी से चल रहा है तो आप क्यों सारे उठ के खड़े हो गए और बाहर निकल रहे हैं, और वो वापस सीटों पर बैठने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि स्केयर फैलाना जो है वो ह्यूमन साइकी का हिस्सा है। टीवी वाले एक दूसरे से बाजी ले जा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले एक दूसरे से बाजी ले के जा रहे हैं, लोग बार बार लिख रहे हैं कि बाज़ार में लोग चीज़ें ज़खीरा अंदोजी कर रहे हैं, दालें इकट्ठी कर रहे हैं, पर तुसी ना करना, लोग कर रहे हैं तुसी ना करना। और बेशुमार लोग हैं जो बैंकों से पैसा निकलवा रहे कि पता नहीं क्या हो जाना है, तो घर में रख लें। जब सर्वाइवल का वक्त आता है तो इंसान इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर देता है जो सर्वाइवल के ख़िलाफ़ जा रही होती हैं। साइंसदान कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में ये कोई ख्याल जड़ पकड़ लेता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए और कहीं वैसा ना हो जाए, तो वैसा ही हो जाता है। हमारे दिमाग में अगर कोई ख्याल जड़ पकड़ जाता है तो फिर वैसा ही होता है। जब हमें ये सोच आने लगे कि एक्सीडेंट ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं यही बात एक्सीडेंट करा देती है। तो जितना भी लाइफ को नॉर्मल रख सकें, WHO की हदायत को फॉलो करते हुए, और मैं आपको बताऊं कि हैंड सैनिटाइज़र ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पानी से हाथ धो लेते हैं और ज़्यादा पानी से हाथ धो लेते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र नहीं भी होगा। तो जो ये अलाइश है, अलाइश जिसको आपने हटाना है, इसमें आपने कोई शेर नहीं है जिसको गोली मारनी है, इसको भी ज़रा ध्यान में समझना चाहिए। गंदगी यानी अगर तो हमने मारना नहीं, है नहीं नहीं, नाक से जो सींड निकलता है, सींड समझते हैं आप, सींड जाता है, तो मुझे बताइए कि कोई सींड जो होता है, टेनेशियस स्पूटम, पानी उसके लिए काफी नहीं है? लेकिन अगर आपके पास फिर साबुन है, नॉर्मल साबुन, तो साबुन से हाथ धो लें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ज्यादा कोई किल कर रहे हैं कुछ, तो अपने हाथों का ख्याल कर लें कि वो बहुत नाजुक होते हैं, उसको जब बार बार धोएंगे और बहुत सख्त चीज़ों से धोएंगे तो स्किन छीली जाएगी, स्किन छीली जाएगी तो ख़ारिश शुरू हो जाएगी, OCD हो सकती है, तो आउट ऑफ दी फ्राइंग पैन इनटू द फायर जा सकते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम पहले ही सारे अच्छी हाइजीन को अपना लें, अच्छी नींद को अपना लें, अच्छी ताल्लुकात को, और ख़ुराक बेहतरीन, वेजिटेरियन डाइट बेहतरीन, उससे आपके सिस्टम पे बोझ नहीं पड़ता और आप उसे ज़्यादा मोर ऑफन खा सकते हैं। आप याद रखिए, अगर आप गोश्त खाएंगे तो आप 3 times a day खाना नहीं खाएंगे। अगर आप गोश्तखोर ज़्यादा हैं तो आप अमूमन 1 खाना खाते हैं और बाकी दोनों टाइम आप वैसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप दालें, सब्ज़ियाँ, वेजिटेरियन आप बन जाते हैं तो आप 4 times, 5 times भी खा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा आप बड़े आराम से खा सकते हैं। प्लस मीठा बोलने में कोई ख़र्चा नहीं आएगा, कोई उसकी ज़खीराअंदोज़ी नहीं कर सकता। अगर आप मीठा बोलेंगे, अपनी फैमिलियों का लिहाज करेंगे, सब अपने बहन भाइयों का, अपने मुलाज़मों का, अपने दोस्तों का, और हंस के बात कर लेंगे, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये एक सिंपल सी लॉजिक है जिसके लिए मैं
अक्सर कोशिश करता रहता हूँ, प्लस हलचल मचाएं, थोड़ी हरकत करें, और अगर बाहर जाना मुमकिन नहीं रहा क्राउडेड प्लेसेस होने की वजह से, तो अपने घर में किसी कॉरिडोर में भी घर की छत के ऊपर सुबह शाम वॉक कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आखिरकार ये जो दुनिया है ये मेरी है ना आपकी है, ये दुनिया अल्लाह की है, और अल्लाह की इस दुनिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये हमेशा से ही बेहतर हुई है, हमेशा से अल्लाह की मखलूक भी बड़ी है, और हमेशा से दुनिया हर मुश्किल और हर टर्मोइल से निकल के ग्रो की है। और याद रखिए, अगर अल्लाह ने इस दुनिया को नहीं ना बचाना तो फिर आप और मैं तो बिल्कुल नहीं बचा सकते। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं होना चाहिए कि अल्लाह इस दुनिया को बचाएगा, नॉट पर्टिकुलरली मी और यू, पर इस दुनिया को बचाएगा, क्योंकि उसने हज़ारों साल से ये दुनिया पाल के इसलिए नहीं रखी थी कि जब ऐन अपने शबाब पे हो तो इस दुनिया को वो ख़त्म कर दे। सो इस दुनिया को वो बचाएगा, अपने तरीक़ों से बचाएगा। 50-60 साल पहले मैं ये सुनता था कि दुनिया में आगे चल के कहत पड़ेंगे, आगे चल के कहत नहीं पड़े बल्कि अजनास को समंदरों में फेंका जाने लगा क्योंकि वो फालतू हो गई थी। फ़कत 120 साल पहले दुनिया की आबादी 50 करोड़ थी, आज दुनिया की आबादी 7.5 अरब है। तो दुनिया बेहतर होती जा रही है और उसके बेहतर होने की रफ्तार भी बेहतर होती जा रही है। दूसरी जंग अजीम में करोड़ों लोग मर गए थे, जापान में एटम बम गिरे थे, बहुत बुरा हाल हुआ था। आज जापानी एक पुरमन और प्रोग्रेसिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ग्रेटर फेथ, एक बहुत बड़ा फेथ होना चाहिए, ऑल विल बी वेल बट डू द राइट थिंग, जो असल काम है करने का वो ज़रूर करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में डू द राइट थिंग। अगर कुछ भी नज़र ना आ रहा हो तो जस्ट डू द राइट थिंग, एक प्रिंसिपल है उसको फॉलो करें।